हमीरपुर के बाईपास के पास जल्द ही 10 करोड़ की लागत से नए बस अड्डे भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हमीरपुर में नवनिर्मित बस अड्डे के लिए चयनित जगह का निरीक्षण करने पहुंचे परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अधिकारियों को अड्डा परिसर बनाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए और निर्माण संबंधित जानकारी ली। शिमला जाते समय परिवहन मंत्री जीएस बाली कुछ देर के लिए हमीरपुर के बाईपास पर बनने वाले नए बस अड्डे के निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने बस अड्डे में डंगों के निर्माण, साइट डेवलपमेंट तथा पुल निर्माण पर चर्चा की और विभागीय अधिकारियों को शीघ्र संपूर्ण स्थल की पैमाइश करवाकर बाउंड्री लगाने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीएस बाली ने कहा कि 10 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही नवनिर्मित बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बाली ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में विकास के लिए काम कर रही है। बड़े दिनों से लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि बस स्टैंड हमीरपुर में, हमीरपुर बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है हमारे लिए, 62-165 तकरीबन 250 बसों का फ्लीट है, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ पर बढ़िया एक भव्य बस स्टैंड बने, क्योंकि वो जो पुराना बस स्टैंड है वो कंजेस्टेड हो गया। हमने चाहते कि हमीरपुर अछूता छूटे, मगर ये साइट ऐसी है जो कि अब साइट कोई होगी नहीं दी है, इसमें डेवलपमेंट, साइट डेवलपमेंट का बड़ा भारी पैसा लगेगा। हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो कर दिया है, 10 करोड़ रुपया यहाँ के लिए मैंने रख दिया है और इसको जल्दी मैंने आदेश दिए। डिपार्टमेंट ने ड्राइंग बनाई थी विच वी हैव नॉट अप्रूव्ड, जो डिपार्टमेंट ने बना के हमें दी थी हमारे आर्किटेक्ट ने, दैट आई हैव नॉट अप्रूव्ड, तो नहीं है। अब हमें इसको दो स्टेप में बनाना पड़ेगा, पहले यहाँ पे बस स्टैंड हम डेवलप करेंगे और फिर उधर को हम उसको डेवलप करेंगे अपना कमर्शियल को, या फिर उधर को कमर्शियल करेंगे ऊपर ब्रिज डालेंगे, तो ब्रिज डाल करके इधर, तो दोनों को ब्रिज डाल के कनेक्ट करना पड़ेगा, उसमें काफी खर्चा आएगा, पर जो भी खर्चा आएगा अब उसको डिजाइन बना करके हम उसको पूरा करेंगे और इसको चालू करेंगे। वहीं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर आदमी को कुछ भी करने की छूट है, लेकिन कांगड़ा में निकाली गई रथ यात्रा में बहुत ही कम संख्या में लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। गौरतलब है कि हमीरपुर में नए बस अड्डे को लेकर काफी समय से राजनीति होती आ रही है और भाजपा द्वारा इस मुद्दे पर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बीओटी के तहत इसके निर्माण की बात होती रही, लेकिन आज तक किसी ने भी इसके निर्माण में रुचि नहीं दिखाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अब इसे बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से खुद तैयार करने का निर्णय लिया है। हर आदमी जाकर के देखो, लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का, अब उसके ऊपर लोग क्या फैसला लेते हैं वो लोगों का मत होता है, तो अब जब वो आएंगे वो अपनी बात कह रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पे मेरे पास तस्वीरें, मेरे मोबाइल में चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूँ, मात्र 150 आदमी इकट्ठे हुए, तो मैं इस बात में नहीं जाता कि आदमी कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, मगर हमें अपना काम करते रहना चाहिए और मैं अपना जो मेरे जुम्मे काम लगाए हुए वो मैं काम कर रहा हूँ।